मोहतरम नाजरीन, आज हर तरह की बीमारी से शिफा और सेहत पाने का लक्ष्य लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुबतला हो जाए और डॉक्टर, हकीम, वैद और आमिल वगैरह के पास इलाज और दुआ कराकर नाउमीद हो गया, सेहतयाबी की हर तरकीब करने के बाद भी मरीज को शिफा नहीं मिलती, मरीज सेहतयाब नहीं होता, तो उसके लिए ये अमल किया जाए। इंशाअल्लाह तबारका व ताला कुछ दिन के इस्तेमाल से परवरदिगारे आलम खुदाबंद कुद्दूस के फजलो करम से शिफाए कामिल हासिल होगी। तरकीब यह है कि या गफूरो को, लफ्ज या गफूरो जो अल्लाह का नाम है, या गफूरो को इस तरह तीन सतरों में लिखें कि हर सतर में तीन बार या गफूरो आए, यानी इस तरह जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, या अलिफ गैन फे वाव रे, ये एक बार हो गया। दूसरी बार फिर लिखे, या अलिफ गैन फे वाव रे, दो बार हुआ। तीसरी बार फिर लिखे, या अलिफ गैन फे वाव रे, इस तरह एक सतर में या गफूरो तीन मरतबा आ गया। ये ताबीज रोजाना मुश्क और जाफरान को गुलाब के पानी में मिलाकर लिखें और मरीज को धोकर पिलाएं। हर दिन तीन ताबीज पिलाना है, एक फजर के वक्त में, दूसरा दो घंटा के बाद और तीसरा ताबीज शाम के वक्त पिलाना है। इंशाअल्लाह तबारका व ताला जरूर सेहत हासिल होगी। अल्लाह तबारका व ताला तमाम मोमिनीन को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म का वीडियो जब अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और खिदमत खल्क समझकर अपने दोस्त अहबाब तक इस चैनल को शेयर करें, ताकि जितने लोग इससे फायदा उठाएंगे उसका फायदा आपको हासिल मिले, उसका फायदा आपको हासिल होगा और अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।